हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लिविंग विद ध्रुवी। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं आज आप सबको बहुत ही एक सिंपल हेल्दी और टेस्टी व्हीट स्पैगेटी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें मैंने व्हीट स्पैगेटी का यूज़ किया है। आप चाहे तो सिंपल नॉर्मल स्पैगेटी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी बन जाती है और हेल्दी भी है अगर आप व्हीट स्पैगेटी का यूज़ करें तो। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डीप वेसल लेंगे और उसमें पानी गर्म करने के लिए रखेंगे, और जब हमारा पानी थोड़ा गर्म हो तब हम उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से हमारी स्पैगेटी एक दूसरे से चिपकेगी नहीं, और उसके बाद हम जब बॉईल आएगा तब स्पैगेटी ऐड कर देंगे। जब नीचे की स्पैगेटी थोड़ी सी सॉफ्ट होगी तो सारी स्पैगेटी वेसल में आ जाएगी। तो आप पहले ऐसे ही ऐड करिए। देखिए हमारी सारी स्पैगेटी आ गई है और हम इसे करीबन 8 से 10 मिनट तक बॉईल होने देंगे। ये हमारी 80% स्पैगेटी कुक हो गई है, और उसके बाद हम एक छन्नी लेंगे और हमारी स्पैगेटी को छान लेंगे। देखिए ऐसे हम छान लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि हमारी स्पैगेटी एक दूसरे से चिपके ना। उसके बाद हम इसका सॉस या ग्रेवी रेडी करेंगे। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट में चाहिए अनियन, कैरेट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मैंने टमेटो को ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो दूसरे भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम एक पैन लेंगे और उसमें से 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, और आप चाहे तो दूसरे मिक्स वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कैप्सिकम, कॉर्न वगैरह। उसके बाद हम हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, बाद में जो जिंजर गार्लिक हमने ग्रेट किया है वो ऐड कर देंगे, और उसके बाद हमारा अनियन ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से सौते कर लेंगे। ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी की है। आप चाहो तो अपने मनपसंद के कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, पर मैंने यहाँ कैरेट लिया है। हम हमारा कैरेट ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और कैरेट को हम 1 से 2 मिनट तक कुक होने देंगे। उसके बाद मैंने 1 या 2 ग्रीन चिली ऐड की है, आप चाहे तो ये स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ग्रेट किया हुआ टमेटो ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमारे मसाले, मैंने यहाँ रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर और ओरेगानो लिया है। आप चाहे तो दूसरे मसाले भी ऐड कर सकते हैं, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये स्पैगेटी की रेसिपी बहुत ही इजी है, आप इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं और ये हेल्दी भी है। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट एडजस्ट कर लेंगे, हमने बॉईल करते हुए भी सॉल्ट डाला था और अभी भी थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे, और उसके बाद जब हमारा मसाला थोड़ा पक जाए बाद में स्पैगेटी ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करिए ताकि सारा मसाला सारी स्पैगेटी में लग जाए। उसके बाद हम इसे ढक के 2 मिनट तक पकाएंगे, जैसे स्पैगेटी और हमारी ग्रेवी या हमारा सॉस एक दूसरे के साथ मिल जाए। उसके बाद हम इसे सर्व कर देंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और इंस्टेंट बन जाता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।